गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस टाइप से बनाया जाता है आपको पता ही है। इसमें दो प्लेट होती है। इस वाली प्लेट पर सपोज करो पॉजिटिवली चार्ज है, इस पर नेगेटिवली। इन पर चार्ज कितना है? प्लेट के ऊपर चार्ज है क्यू, तो यहां पर लिख देते हैं क्यू। क्या है यहां पर? क्यू का मतलब है चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज कितना ले रहे हैं हम? क्यू। ए क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। एरिया क्या होता है? ए होता है। अच्छा ये बताओ, यहां से यहां तक का जो गैप है वो क्या है? डी। तो यहां पे लिखते हैं डी, इट इज गैप या डिस्टेंस कह सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। प्लेट ऑफ कैपेसिटर। इसके बाद ये दोनों प्लेट के बीच में वैक्यूम है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख रहे हैं E नॉट से। E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E नॉट है। अब ध्यान से सुनना, अभी तक हमने कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे, जिन फार्मूलों का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो देखो। C क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है Q बाई बी। ये वाला फार्मूला हम पहले आपको बता चुके हैं। C कैपेसिटेंस है, Q चार्ज है प्लेट ऑफ कैपेसिटर पर, V पोटेंशियल डिफरेंस है जो इन प्लेट के अक्रॉस अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड Across plate of capacitor। Capacitor की plate के across जो potential difference apply किया गया है वो कितना है? V। अच्छा ये बताइए, capacitor की plate के बीच में electric field कितना होता था? Sigma upon epsilon naught। ये formula हमने Gauss theorem के अंदर एक article में derive किया था। Next point sigma। Sigma क्या होता है यहाँ पर? Sigma होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है क्यू बाई ए। इसे इस टाइप से भी लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वी बाई डी होता है। ये वाला फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाकी टर्म की रिक्वायरमेंट जैसे होगी वो हम आगे लिखेंगे। तो देखिए हमें करना क्या है यहाँ पर, हमें इसकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए सबसे पहले E इक्वल टू कितना होता है? E इक्वल टू V बाई डी होता है, वहां पे लिखा हुआ है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E नॉट। देखो ये फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है E इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, लेकिन इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E नॉट है। तो मैंने यहां पर E नॉट लिख दिया। तो V बताइए पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा E नॉट इंटू डी। अच्छा ये बताओ इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? E नॉट। ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाली वैल्यू यहां पे पुट करो तो V कितना आ जाएगा? सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बताइए सिग्मा के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है? सिग्मा पढ़ा हुआ है हमने Q बाई A। ये वाली वैल्यू यहां पे पुट करो तो ये हो जाएगा V इक्वल टू क्यू डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट पॉइंट C क्या होता है? ये होता है Q बाई वी। इसमें V की वैल्यू पुट करो तो Q इक्वल टू क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट। तो C का फॉर्मूला क्या आ गया? C आ गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये फॉर्मूला होता है पैरेलल प्लेट के अंदर कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का। तो अगर हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया दिया हुआ है प्लेट का और इनके बीच का गैप दिया हुआ है तो हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है।
ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और कितना हो जाएगा ये फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 upon R square। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन माइनस 1 और मीटर माइनस 2, इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो बाकी चीज़ों को हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये वाला फार्मूला इस टाइप से फाइंड आउट होगा। तो ये हो जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस वाले टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।